नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मांगेली वाटरफॉल्स पे आधारित है और मैं आपसे हिंदी में वार्तालाप करने की कोशिश करूँगा, तो सोचता हूँ आपको पसंद आएगी। तो प्रारंभ करते हैं। और ये था हमारा सुबह का नाश्ता, जिसके बाद हमने सवारी शुरू की थी असनारा से, जो मापसा से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और थिवीम रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो महत्वपूर्ण मोड़ और चौराहे हैं वो कवर करूं, और जो सीधे सीधे रास्ते हैं वो मैंने पूरे इसमें से हटा दिए हैं, मोस्टली हटा ही दिए हैं। शायद दो तीन रहेंगे जिसमें कुछ मतलब ऐसा देखने वाली चीज़, मतलब कैसे जो पेड़ पेड़ पौधे वगैरह से दिखाते, तो वो दो तीन सीन्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। और ये वीडियो अंडर 14 मिनट्स के अंदर में बनाई हुई है, तो ज़्यादा लेंदी भी नहीं हुई है। तो आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे, और जो अब हमारा ये मार्ग है वो आपको पूरा पहुँचने में सहयोग करेगा। मेरी हिंदी भी उतनी पूरी ये मतलब 100% नहीं है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझेंगे मैं क्या जाहिर करना चाहता हूँ। और अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट में भी सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इससे जुड़ के रहूँ, और जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब कुछ देखने लायक या जानने लायक है वो चीज़ आपको बता सकूँ। तो इससे मैं तो स्टार्टिंग में मुझे मिला ये हमारा गोवा पुलिस का चेक पोस्ट है, तो इसके बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू होता है। तो इधर अभी एक टाइम पे मतलब हेलमेट उतना कंपलसरी नहीं है, पर पहना तो मतलब अच्छा ही है, क्योंकि इसके आगे जब महाराष्ट्र बॉर्डर में पहुँचते तो वहाँ पे भी पुलिस होती है, जो मतलब कभी कभी हेलमेट चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी चेक करते हैं गोवा से गाड़ी आई तो हेलमेट और अपना कागज़ जो गाड़ी का रहता है डॉक्यूमेंट्स वो कैरी किया तो बहुत ही अच्छा है। और सुबह का टाइम था इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है इस तरफ, बहुत सुबह गए थे हम लोग, लगभग 9 बजे कुछ निकले थे, तो कुछ 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे। अच्छा, वो कुछ एक एक 1.5 घंटे का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इसलिए ट्रैफिक भी नहीं है ज़्यादा, बाद में तो ट्रैफिक होती है इधर, इधर भी बहुत ट्रैफिक है, मार्केट है इधर दोड़ा मार्ग का मार्केट है। तो ये थोड़े रूट्स मैंने रखे हैं इसमें, मतलब मुझे अच्छा लगा इधर, खेत वगैरह सब लोग लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा था। और वो जो पहाड़ दिखाया हम लोगों ने अभी, ये वाला, तो उधर जाना है हम लोगों को, तो ये पूरा डिस्टेंस हम उधर जाने के लिए कवर कर रहे हैं। तो बीच बीच में बहुत धूप थी, बीच बीच में बारिश थी, जाने के टाइम पे तो बारिश मिली नहीं ऑलमोस्ट। और सुबह के टाइम में भी मतलब ये था क्या, पूरा कोहरा जैसे था, तो पहाड़ उतने क्लियर नहीं दिख रहे थे, अगर पहाड़ दिखते तो थोड़ा और मज़ा आ जाता। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि थोड़ा दिख जाए, लेकिन टाइमिंग ही वैसा था हमारा, सुबह का टाइमिंग था तो मतलब कुछ ज़्यादा आ नहीं पाया, फिर भी जो आया वो भी मज़ेदार ही है। रास्ता भी मतलब अच्छा ही है, फोर व्हीलर में थोड़ा
थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि बीच बीच में ऐसा मतलब ख़राब, जैसे बाइक से तो कट जाता है वो बीच बीच में ऐसे। लेकिन ओवरऑल रास्ता ठीक ही है। और अच्छा था ये पोर्शन, थोड़ा मतलब ऐसे डैमेज जैसे था। और इधर कभी कभी बारिश में इतना पानी आ जाता है कि ऊपर से बह जाता है, इसलिए रास्ता ऐसा हो गया। और ये पेड़ भी ऐसे झुक गए थे पूरे बारिश की वजह से, आने के टाइम पे तो और भी नीचे आए हुए थे। और इधर से गुजरे मतलब ऑलमोस्ट अभी पहुंचने वाले जैसे है। और रास्ता भी ऐसा है कि इधर ज़्यादा तेज़ भी नहीं जा सकते, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ भी आती है, बस भी आती है ऐसे। और मोड़ है तो लोग भी ऐसे बीच में कभी कभी गुजर जाते हैं, तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है। मतलब मोड़ पे भी हॉर्न बजा के जाना ही पड़ता है, नहीं तो कोई सामने से आया दिखा नहीं तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा हमें साथ में। तो व्यू थोड़ा अच्छा ही था, लेकिन बादल आए थे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था इसे। इधर तक तो थोड़ा साफ जैसे था, ऊपर पहुँचते पहुँचते बाद में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, सामने से भी तो बाइक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, ऐसा ही हुआ था। और यहाँ पे ये लोग अभी जाने के लिए मतलब एंट्री फी जैसा रहता है इधर, तो आदमी के हिसाब से लेते शायद। हम दो लोग थे तो 20 लिया था इन लोगों ने, पता नहीं कैसा है इन लोगों का, हमने पूछा भी नहीं। और हाँ, इधर से ऐसे मतलब ये रास्ता इधर से बाद में वो सब धुंधला धुंधला जैसे था, ये देखिए ज़्यादा क्लियर भी नहीं था, रोड ऐसे था। आने के टाइम पे तो इससे डबल हुआ था और बारिश भी हो रही थी, तो वो सीन हम लोग ले नहीं पाए बारिश की वजह से, ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। और बीच बीच में अभी ज़्यादा लोग भी नहीं दिखते इधर, मतलब थोड़े बीच बीच में ऐसे घर दिखेंगे, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो इधर ही एक गांव जैसा ही था, पर ज़्यादा लोग नहीं दिखते, कम ही लोग दिखते, सब खेत में इधर उधर काम के लिए जाते हैं तो वही लोग दिखते हैं। और खेती भी ऐसी इधर होती है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता कौन सी खेती है। मतलब खेती के लिए तो ज़्यादा पानी चाहिए, लेकिन इधर तो पानी तो दिखता ही नहीं है, तो खेती पता नहीं किस बात की होती है, लेकिन होती है। सब पेड़ वेड़ काटे हैं इन लोगों ने खेती के लिए। और ये यहाँ से देख के कितना कोहरा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने। इधर से अच्छा नज़ारे दिखता था, लेकिन बादल देखिए कितने नीचे आए हुए हैं। और इधर ये लोग खेती कर रहे हैं, पता नहीं किस बात की खेती हो रही है। और इधर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए। ये मोड़ के बाद उन लोगों का पार्किंग शुरू हो जाता है, तो इसके नीचे गाड़ी आप लेके नहीं जा सकते, इसके बाद आपको चल के जाना ही पड़ता है। तो जगह बहुत बड़ी है पार्किंग के लिए, आराम से पार्क कर सकते हैं, और पार्किंग भी पे पार्किंग है। तो ये पूरी यहाँ बस वस सब कुछ भी, कोई भी बड़ी गाड़ी लाए तो भी पार्क कर सकते हैं आराम से। तो संडे सैटरडे वीकेंड के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है इधर, ये लोग भी बता रहे थे। हम लोग मंडे को गए थे तो कोई भी था ही नहीं ऑलमोस्ट, हमारे जाने के बाद लोग आ रहे थे, क्योंकि हम बहुत जल्दी निकल गए थे। और ये लोग बता रहे थे कि कल तो बहुत भीड़ थी, तो हमने बोला वही भीड़ थी इसलिए नहीं आए, इसलिए दूसरे दिन आ गए। तो पार्किंग भी उतना महंगा नहीं है, ठीक ही है, बाइक के लिए कुछ 20 रुपये कुछ लिए थे इन लोगों ने। और घंटे के हिसाब से नहीं भी नहीं हो लगता है,
पार्क किया तो रख सकते हैं, और नाश्ता चाय नाश्ता करने के लिए भी उधर ये फैसिलिटी है। तो थोड़ा चलने के बाद हम लोग इधर पहुँचे थे, एक लैंडमार्क जैसे आप लोग को आइडिया मिलेगी कि इधर से तो ऊपर जाना है करके, तो जैसे रास्ता दिखता है उधर से चल के जाना है, सीधा पहुँचोगे आप लोग उधर, क्योंकि कुछ ऐसा भटकने जैसा रास्ता है ही नहीं, सीधा चल चल के लोगों ने ऐसा रास्ता बनाया है तो दिखता है। और थोड़े अंतर पे थे हम लोग, ये भी मैंने पूरा कटआउट किया हुआ है क्योंकि ऐसे ही लेंथ बढ़ा रहा था वीडियो की। और ये लोकेशन पे पहुंचने के बाद जो लोग मतलब भीगना नहीं चाहते तो इसके आगे जाने का ही नहीं, इधर से ही देखने का, क्योंकि इधर से ऊपर गए तो पूरे भीग ही जाते हैं, जो पानी की छींटे आती हैं तो इधर से देख सकते हैं क्लियरली, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर गए तो भीगना है तो ऊपर जाना ही है। हम लोग गए तो इतना ज़्यादा मतलब ये आ रहा था, और ये अभी भी पानी उतना बह नहीं रहा है, बहुत कम ही है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा बहता है तो एक ही जैसे, अभी तो दो जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे आ रहे हैं, वो एक ही जैसे दिखता है पूरा बड़ा वाला। तो बारिश भी उतनी नहीं हुई है इसलिए ऐसे, और ये कैमरा पे भी देख सकते हैं थोड़ा इफेक्ट आ रहा है उधर पानी की छिटों का। तो हम लोगों ने ऐसे मतलब थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है ऊपर जाना, मतलब ऑलमोस्ट से 2-3 मिनट में पहुंच जाते हैं ऊपर, तो थोड़ा संभाल के ही जाना पड़ता है, मतलब हाथ वाथ छूटे तो नीचे आएंगे, चोट लग सकती है। और इधर तो मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे आ रहे हैं मतलब चीटे, जब हवा आ रही थी तो मतलब एकदम से ज़्यादा जैसे ही थे, और मतलब उधर से वीडियो लेना मतलब मुश्किल ही था, बार बार लेंस साफ करनी पड़ रही थी। अब ये कुछ थोड़े इफेक्ट्स रिवर्स वाले मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए डाला मैंने इसे। और ये कुछ एक वायर भी लटक रही थी उधर, लग रही थी कि जियो की वायर है, कुछ ब्रॉडबैंड केबल की ये थी, फाइबर ऑप्टिक्स। और ये कुछ पोजिंग किया था हम लोग ने, आप अंदाज़ा लगा सकते, पानी देखिए कितना आ रहा है, बार बार साफ करना पड़ रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, जितना हम बारिश में नहीं भीगे वो पूरे इधर ही भीग गए। तो यही था हमारा छोटा सा वीडियो, होप है आप लोगों ने पसंद किया होगा, और आशा है ऐसे किधर और जगह पे जाके अपनी नई वीडियो पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सुझाव भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, और मेरी हिंदी अगर आपको हिंदी में पसंद आए तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और देखने के लिए थैंक यू।